नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है, तो देखेंगे कि आखिर अभी हाल में क्यों लिखा गया इसे और भारतीय वस्त्र उद्योग की महत्ता क्या है, महत्व क्या है, उस पर भी बात करेंगे। भारतीय वस्त्र उद्योग की उद्योग में समस्याएं क्या क्या हैं उसे भी देखेंगे हम लोग, और इसमें आगे की राय क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। एक जानकारी हमेशा देता रहा हूं मैं और दे रहा हूं कि कई आर्टिकल ऐसे होते हैं जो सच में लिखे, सच्चाई उसमें झलकती है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में उस सच्चाई को नहीं डालने हैं। मैं हमेशा से बोलता आया, आप देखते हैं कि कई आर्टिकल ऐसी वो सच्चाई बोलते हैं। अभी आज ही हम लोगों ने एक आर्टिकल आपका बात की हुई है पुलिस व्यवस्था पर सुधार सुधार के बारे में, और जो यूपी में एनकाउंटर हुआ है और उसने जो काम किया था उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताई गई उसमें, और वो जो आर्टिकल लिखा गया है वो डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन कुछ कुछ उसमें ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो आपको आंसर राइटिंग कभी भी कर रहे हैं आप लोग, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां कभी मत डालिए उन्हें, मत बोलिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे की मतलब हकीकत बताई गई है पुलिस व्यवस्था की। लेकिन आप जानते हैं नेताओं की हकीकत बताई गई है, लेकिन नहीं बोल सकते हैं ना हम लोग। एक पाबंदी सी हम लोगों पर लगी रहती है कि हमें सच नहीं लिखना है। आप समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि करंट की गवर्नमेंट क्या है, तो आप इसके बारे में बुराई बुराई नहीं लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं? आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि उसकी अच्छाई भी लिखनी है, और मैं तो कहता हूं कि अच्छाई को ज्यादा ही लिखनी है, मतलब इतना कि एक बैलेंस बन जाए। हम बुराई नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद हमें अपना एक ओपिनियन दे, मतलब अपने एक निष्कर्ष भी दे देना है, समझ रहे हैं? तो नेगेटिव पॉइंट उतना ही समाहित करने हैं आपको आंसर में, और पॉजिटिव पॉइंट एक बैलेंस बनाकर लिखना है, ठीक है? अब वही हाल है कि आंकड़े आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आंकड़े कुपोषण से यानी कि भूख से लोग कितने मरते हैं, तो सरकारी आंकड़े कुछ और दिखाए जाते हैं और रियल आंकड़े कुछ और होते हैं। लेकिन आपसे हमेशा कहा जाता है कि सरकारी आंकड़े आप यूज करिए। आपने देखा है कि आपके यहाँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें सरकारी आंकड़े 1,000 के करीब थे, लेकिन हकीकत क्या था वो कई भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि 5 से 7 हजार लोग मारे गए, कोई 3 हजार, कोई 4 हजार, लेकिन हम यूज क्या करते हैं उसमें 1,000 करते हैं, क्योंकि वही सरकारी आंकड़े उस समय के थे। तो आप हमेशा सरकारी आंकड़ों को यूज किया करिएगा, और अपना दिमाग, मतलब ऐसा नहीं कि आप गाँव में रह रहे हैं तो आपको लगा कि यहाँ ज्यादा लोग मर रहे हैं तो आप उसी को यूज कर दें, उसी को देखते हुए, ऐसा मत करें, ठीक है? एक बैलेंस अच्छा बनाकर। अगर चर्चा के कारण की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। ऐसे में सरकार को पहले से ही आत्मनिर्भर क्षेत्रों क्षेत्र जिसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख है को विशेष बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा सहायता मात्र से ही भारतीय वस्त्र उद्योग वैश्विक बाजार में बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेष लाभ पहुंचेगा। आज से ही हमारे यहाँ हम लोग वस्त्र उद्योग में आज से ही हम लोग सक्सेस नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आप अंग्रेजों के समान देखिए कि अंग्रेज किस लालच से आए हुए थे हमारे देश में। एक मसाला होता था, मसाले, काली मिर्च और वस्त्र उद्योग, इसी के व्यापार के चक्कर में तो आए हुए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ राज करना आसान है, तो उन्होंने राज किया, समझ रहे? भारतीय वस्त्र उद्योग की अगर महत्व की बात करें तो भारत को वस्त्र मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में कच्चे माल और विनिर्माण की सुविधाओं का अनूठा लाभ प्राप्त है। लेकिन इसे अभी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा के लिए कई काम करना है होगा। वस्त्र और परिधान उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है आपका वस्त्र उद्योग। कहा जाता है कि आपके यहाँ के जो वस्त्र होते थे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ब्रिटेन की महारानी हो गई या फिर किसी और देश का राजा, तो वो उसे पहनने के लिए भारत से मंगवाया करता था। आप समझ रहे हैं कि इतनी जरूरत, मतलब इतना महत्व दिया जाता था आपके यहाँ के वस्त्र उद्योग को, वस्त्रों को। इस उद्योग की अगर हम बात करें तो विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है। जहां एक तरफ गहन पूंजी वाले मिल उद्यम है, वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्त उद्योग है। विकेंद्रीकृत विद्युत से चलने वाले करघा और बुनाई क्षेत्र का
वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ा हिस्सा है। कपड़ा क्षेत्र में शामिल होने वाले प्रमुख उप क्षेत्रों में संगठित कपास, मानव निर्मित फाइबर कपड़ा मिल उद्योग, मानव निर्मित फाइबर रेशा यान उद्योग, ऊन और ऊनी वस्त्र उद्योग, सेरिकल्चर और रेशम वस्त्र उद्योग, हथकरघा, पटसन, पटसन वस्त्र उद्योग और वस्त्र निर्यात शामिल है इसमें। आंकड़ों के अनुसार भारतीय वस्त्र उद्योग दुनिया में सबसे बड़े कच्चे माल के आधार है और विनिर्माण श्रृंखला में सबसे बड़ी ताकत भी है। घरेलू वस्त्र और परिधान उद्योग भारत की जीडीपी में 2% और निर्यात में 12% का योगदान करता है। यह क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिला श्रमिकों का वर्चस्व है। इस तरह के वस्त्रों में आप देखते हैं वस्त्र उद्योग में महिलाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। इसमें 70% कार्यबल महिलाओं के पास है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण महिलाओं की गरीबी दूर कर सकता है और भारत के बड़े हित में महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग भारत में कृषि क्षेत्र के बाद प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अगर हम लोग भारतीय वस्त्र उद्योग की समस्याओं की बात करें या कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, तो भारतीय वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यदि देश में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मनिर्भर है तो वह वस्त्र कपड़ा उद्योग है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चीन वैश्विक कपड़ा बाजार में हावी होने का प्रयास भी कर रहा है। भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र बुनाई प्रसंस्करण और परिधान के क्षेत्र के उप क्षेत्र में विखंडित है और वैश्विक बाजार में सफलता के लिए इसमें अपेक्षित प्रमाणे का अभाव है। अधिकांश विनिर्माण इकाइयों में अल्प विनिर्माण क्षमताएं होती हैं जिससे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा फोन मोबाइल कंपनियों के बारे में भी सुना होगा, चाइना के फोन सस्ते भी होते हैं और उसमें फीचर्स भी अधिक देखने को आपको मिलते हैं और हमारे यहाँ के मोबाइल बनाने में खर्च भी ज्यादा आता है और आप देखते हैं कि क्वालिटी भी उसकी कमी रहती है। इसीलिए आप देखते हैं कि चाइना एक तरफा राज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान में, देख रहे हैं आप लोग। तो यही हमें करना होगा क्योंकि आप समझिए कि एक जो सस्ता मिलेगा क्वालिटी अच्छी रहेगी वही आदमी खरीदना पसंद करेगा ना। आप सोचें कि महंगा हुआ है उसमें क्वालिटी कम है यानी कि फीचर्स कम है तो कौन खरीदना पसंद करेगा। यही वस्त्र का उद्योग का हाल है। जहां भारत की कताई क्षमता वैश्विक स्तर की है वहीं बुनाई और परिधान बनाने के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में देश में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है। इसकी तुलना बांग्लादेश से करें तो पाएंगे कि वहां प्रत्येक कारखाने में कम से कम 500 मशीनें उपलब्ध हैं। भारत की स्थिति देख रहे हैं आप लोग। भारत में 5.8 मिलियन किसान कपास की खेती में लगे हुए हैं। कपास के फाइबर यान कपड़े पर GST समान रूप से 5% इस पर, लेकिन मानव निर्मित फाइबर के लिए ऐसा नहीं है बल्कि फाइबर के लिए 18%, यान के लिए आपका 12% और कपड़े के लिए 5% की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लगाया जाता है। या उल्टा कर संरचना MMF वस्तुओं को महंगा, यानी कि कहने का मतलब यही है कि भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र में जो वस्त्र बनते हैं उन्हें महंगा बनाती है। कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों ने बांग्लादेश जैसे देश को भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता प्रदान की है, जिन्हें भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए शून्य शुल्क देना होता है। अभी क्या होता था कि जैसे आप समझिए कि सीधा मुक्त कहने का मतलब ये है कि जो मुक्त व्यापार समझौता है कि आपके यहाँ कोई सामान बन रहा है, ठीक है, एक पेन का उदाहरण आप लोग ले लीजिए जिससे बेहतर आपको समझ में आए। आपके यहाँ खर्च आता है उसे मिलाकर 5 रुपये, ठीक है, और आप उसे 6 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन वही बांग्लादेश क्या करेगा, आपका वहां 4 रुपये खर्च आ रहा है और वो 5 आपके यहाँ कोई आप शुल्क नहीं ले रहे हैं, मुक्त व्यापार समझौता है, तो वो क्या करेगा 5 रुपये में बेचेगा, आपका 6 रुपये में बिक रहा है तो कौन फायदे में रहेगा, लोग किसे खरीदेंगे 5 रुपये वाली पेन को, वो आपके यहाँ जो बनाने वाली कंपनी है वो पिछड़ जाएगी, समझ रहे, यही रहता है। लेकिन शुल्क लगाने की अगर हम लोग बात करें कि इस पर अगर शुल्क लगा दें तो हम क्या करेंगे, 2 रुपया इस पर शुल्क लगा देंगे 7 का हो जाएगा और बाकी हमारा 6 का है तो हर कोई अपना खरीदेगा, तो एक नुकसान भी रहता है मुक्त व्यापार समझौते का इसका। वस्त्र निर्यात पिछले 6 वर्षों 40 बिलियन के स्तर पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2015 में यह $42 बिलियन तक पहुंच गया था। भारत की कुल निर्यात में वस्त्रों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 में 12% थी जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह 15% थी, यानी कि घटी है।
इस अवधि के दौरान बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों ने कपड़ा निर्यात में काफी वृद्धि दर्ज की है। बांग्लादेश का परिधान निर्यात 2015 में 2660 यानी कि 2660 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में आपका 33 बिलियन डॉलर। दूसरी ओर भारत का निर्यात, सॉरी या माफ करिएगा, 26 है, ठीक है, 26 बिलियन डॉलर से 33 बिलियन डॉलर हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 2660 बहुत होता है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर भारत की बात करें तो 18 बिलियन से घटकर ये 2019 में 17 बिलियन हो गया, ठीक। आगे की अगर राह की हम लोग बात करें क्या हो सकती है, तो भारत का निर्यात प्रदर्शन कई कारणों से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। यह सामान्य व्यापार से संभव नहीं हो सकता है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कपड़ा उत्पादों में वृद्धि करने से भारत के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़े तथा नए बाजारों का पता चले। उद्योगों द्वारा अपनाए जाने वाले पुराने तकनीक को छोड़ना होगा। अपनी मशीनरी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि आप हाथ से बुनाई करते हैं तो आप समझिए कि कितना एक कितने दिन में बना पाएंगे। दो से तीन दिन में आप एक लिए कोई भी कपड़ा बनाते हैं, लेकिन मशीन को देखिए वो दो घंटे में बना देगी और आपसे सस्ती कम कीमत भी उसमें खर्च होगी बनाने में। तो इसको सुधारना होगा आपको। पिछले कुछ दशकों में कपड़ा उद्योग ने विश्व स्तर पर एक नया रूप देखा है। यद्यपि मूल मशीनों और उनकी प्रक्रियाओं का अभी भी उपयोग किया जा रहा है, वे मूल रूप से अधिक तकनीकी रूप से उन्नत संस्करण में विकसित हुए। अब जो मशीनें कुशल मजदूरों द्वारा मैनुअल रूप से काम में लाई जाती थी, उन्हें आवश्यक कपड़ा सामग्री बनाने के लिए कंप्यूटरीकृत और प्रोग्राम किया जा सकता है। भारत को वैश्विक बाजार में निर्यात बनाए रखने के लिए गुणवत्ता मुख्य आधार होना चाहिए, विशेषकर तब जब हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। बढ़ती आय के स्तर के साथ खुदरा उद्योग के निरंतर वृद्धि से कपड़ा क्षेत्र को भविष्य में मजबूत घरेलू खपत के साथ साथ वैश्विक बाजारों में बढ़ती मांग के कारण उच्च भागीदारी का अनुभव होने की उम्मीद है। सरकार 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास और उपाय किए गए हैं ताकि कपड़ा उद्योग के विकास में तेजी आए, लेकिन उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए नवाचार और मूल्य संवर्धन पर ध्यान देने की पहल करने की आवश्यकता है। यदि हम वैश्विक क्षेत्र में अपने पदचिन्ह का विस्तार करना चाहते हैं तो हमें अभिनय और विशेष उत्पादों के साथ आना होगा। कपड़ा उद्योग की निरंतर वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। इस तरह की नीति का अनुसरण करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को उन क्षेत्रों पर नजर रखनी होगी चाहिए जो पहले से ही आत्मनिर्भर है और थोड़ा मदद से वैश्विक बाजार में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था आपका भारतीय वस्त्र उद्योग के हाल, ठीक है।